गाइस अभी हम देखेंगे कि एक बेसिक एलईडी लाइट जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती है उससे हम किस तरह एक फेस अच्छी तरह से लिट कर सकते हैं। हमारे पास एक ये एलईडी लाइट है, ये आपको कहीं भी आसानी से मार्केट में मिल सकती है। और ये लाइट है हमारी, इसकी थोड़ी सी हम इंटेंसिटी कम करेंगे। मेरा मकसद इस लाइट को यहाँ रखने का ये है कि जो बेसिक लाइटिंग होती है उसमें अगर हम पुरानी पेंटिंग्स और पुराने आर्टिस्ट जिस तरह से फेस पे डेप्थ क्रिएट करते हैं उस पर स्टडी करें तो हमेशा आधे फेस पे शेडो क्रिएट किया जाता है और आधे फेस लाइट, ताकि फेस पे एक डेप्थ क्रिएट हो जो कि विजुअली अच्छी लगती है व्यूइंग पे। ये स्पेसिफिक लाइट की टेक्निक कहते हैं रेम्ब्रेंट लाइटिंग, जो कि रेम्ब्रेंट एक आर्टिस्ट थे अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करते थे, जिसमें एक साइड लिट होती है और एक साइड पर आँख के नीचे एक ट्राइंगुलर शेडो बन रहा होता है। हम अपनी मर्जी से दूसरी जगह पर भी लाइट रख सकते हैं, मगर आप नोट करें अगर हम ये सामने लाइट रख दें इस तरह तो बहुत फ्लैट फेस लाइटिंग होती है और ऑब्वियसली वो विजुअली अच्छी नहीं लगती। इसकी दूसरी लाइट होती है कट लाइट, जो हम सीधा यहाँ कट कर सकते हैं, जिसमें आधा फेस लिट होता है आधा फेस डार्क होता है। ये यूजुअली एक ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, मगर जो नॉर्मली यूज़ की जाती है वो रेम्ब्रेंट लाइटिंग है, जो अभी हमने सेट की थी इस तरह कि एक आप हल्का सा ट्राइंगुलर शेडो क्रिएट हो। ये लाइट हम अभी डायरेक्ट थ्रो आ रहा है लाइट का, कोई हमने आगे डिफ्यूज़र नहीं लगाया, किसी तरह का बटर पेपर नहीं लगाया, जस्ट टू शो यू गाइस के अगर हमें हार्ड लाइट करनी हो तो इस तरह। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके आगे एक डिफ्यूज़र लगाएंगे, लाइट को डिफ्यूज़ करेंगे, इवनली स्प्रेड करेंगे और उस पर देखेंगे क्या रिज़ल्ट होता है हमारा। तो अभी हमने इस लाइट पर एक बटर पेपर की स्क्रीन लगाई है जिससे हमने लाइट को डिफ्यूज़ किया है। डिफ्यूजन का मकसद ये होता है कि लाइट आपकी इवनली स्प्रेड हो। लोग यूजुअली डिफ्यूजन और सॉफ्ट लाइट को कंफ्यूज करते हैं। कीप इन माइंड डिफ्यूजन में शेडोज फिर भी बनेंगे मगर लाइट इवनली स्प्रेड होगी। अगर आप अभी देखें तो शेडो अभी भी हमारा प्रॉपर बन रहा है, मगर पिछली दफ़ा से कंपैरिजन में लाइट इजीली स्प्रेड हो रही है, मतलब सेंटर स्पॉट नहीं चल रहा हमारा कोई। नेक्स्ट हम चीज़ देखेंगे, इसके आगे एक बड़ा डिफ्यूज़र लगाएंगे, लाइट की सोर्स बड़ी करेंगे और फेस पे सॉफ्ट लाइट करेंगे फॉर ब्यूटी लाइटिंग। तीसरी टेक्निक है लाइटिंग की सॉफ्ट लाइटिंग, जिसमें आप लाइट की सोर्स बड़ी करते हैं ताकि ओवरऑल लाइट सॉफ्ट आए। इसमें हमने लाइट की सोर्स बड़ी करने के लिए एक बड़ा डिफ्यूज़र यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू लाइट आ रही है। इससे सोर्स बड़ी करने का मकसद ये कि हमारी लाइट की सोर्स छोटी थी, जब हमने डिफ्यूज़र लगाया तो वो डिफ्यूज़र लाइट सोर्स बन गया, तो ऑटोमेटिकली लाइट ज़्यादा बड़ी सोर्स से आ रही है। इससे हमारी फेस पे सॉफ्ट लाइट पड़ेगी और अब हम नोट करेंगे तो ये शेडोज़ जो हैं हमारे बहुत ईजीली ब्लेंड हो रहे हैं हाईलाइट्स में, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा। ये यूजुअली ब्यूटी लाइटिंग कहते हैं और ये कमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है इससे। तो तीन तरह की लाइट थी, हमने डायरेक्ट हार्ड देखी, डिफ्यूज़ देखी और थर्ड ये सॉफ्ट